मैंने तो अब इस भजनलाल सरकार में मंत्री पद के ठोकर इसलिए मार दी, जहां मैं 45 साल से सेवा कर रहा हूं उन लोगों ने मेरी बात को नहीं रखा, इसलिए मंत्री पद को भी ठोकर मार दी। और सुन लो, चुनाव से पहले लोग कहते थे कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी तो आ गया। लेकिन मैं इस हाई कोर्ट पे कह के जा रहा हूं, मोदी के रहते हुए डॉक्टर किरोड़ीलाल की जिम्मेदारी है कि आरक्षण के नाम पे पत्ता तक नहीं हिलने दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। अब लोग क्या कह रहे हैं, अब विरोधी क्या कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, ये तो बीजेपी करा रही है। इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं, चाहे छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं होने दूंगा। देखो, मैं बजरंग बली जी की तरह तो हूं नहीं जो छाती फाड़ के आपको बता दूं, लेकिन पपलाज माता की कसम खा के और मेरी मां की कसम खा के आपके बीच में कह के जाता हूं कि इसमें मैं एक पाई नहीं कमाऊंगा, सारा समाज को समर्पित करने का काम करूंगा, यह मैं आपको वादा करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है जरा सुन लो, सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पढ़ो, पढ़े लिखे बच्चों, अगर आपको उसके पक्ष में नहीं हो तो मैं भी आपके साथ हूं, पर सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल डॉक्टर बन गया, उसका भाई आरएएस से आईएएस बन गया, डॉक्टर किरोड़ीलाल एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, तो और का तो नंबर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्रीमी लेयर। आप ये बहन बेटी बैठी है, दूध को पकाती है जब ऊपर क्रीम आ जाती है, क्रीम जिसको हमारे उधर थर कहते हैं, थर, जब लक्ष्मण के शक्ति बाण लगा था, जब राम ने विलाप किया था और हनुमान को कहा था संजीव बूटी लेके आओ, हनुमान सारे पहाड़ को उठा के लेके आ गया था और लक्ष्मण के प्राण बचाए, लेकिन मैं मेरे भाई की भी 50 साल पूरी सहायता करने के बाद भी मैं मेरी मदद नहीं कर सका, इसका मेरे लिए जीवन भर पछतावा रहेगा। आपको पता है जब लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी और सीता को कह दिया था इसकी रेखा को मत उल्लंघना, ऐसे ही मेरे भाई मेरी रेखा को नहीं उल्लंघ रहे, लेकिन मेरे को डर लगता है जैसे विलाप सुन के सीता लक्ष्मण की रेखा को रंग गई थी, कहीं वैसा हो गया तो क्या होगा।